अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से ही। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची बदली है। बंगाल के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से कमलनाथ बाहर हो गए हैं। सुबोध कांत सहाय को जगह मिली है। 10 दिन में कांग्रेस की सूची बदल दी गई है। 22 मार्च को नई सूची जारी की गई है। 12 मार्च को जारी सूची में कमलनाथ का नाम था, लेकिन अब कमलनाथ का नाम बाहर कर दिया गया है बंगाल के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से। G23 में शामिल रहे मनीष तिवारी को भी जगह मिली है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची बदल दी है। जो बंगाल में स्टार प्रचारकों को लिस्ट तैयार की गई थी स्टार प्रचारकों की, उस लिस्ट से कमलनाथ का नाम बाहर कर दिया गया है और सुबोध कांत सहाय को जगह दी गई है। 10 दिन में ये लिस्ट जो है बदली गई है। 22 मार्च को नई सूची जारी की गई जिसमें कमलनाथ का नाम नहीं है और सुबोध कांत सहाय को जरूर जगह इस लिस्ट में दी गई है। वहीं मनीष तिवारी को भी जगह मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची बदल दी, लेकिन कमलनाथ को बाहर कर दिया और उन्हीं की जगह सुबोध कांत सहाय को जगह दी गई है। साथ ही मनीष तिवारी को भी जगह मिल गई। आखिर क्या वजह रही कि अचानक से कमलनाथ का नाम बाहर कर दिया गया स्टार प्रचारकों की लिस्ट से? कमलनाथ का कद लगातार घटता जा रहा है स्टार प्रचारकों की सूची से। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ही वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का नाम हटाना शायद कुछ यही संकेत करता है। इससे पहले 12 मार्च को जब सूची जारी की गई थी पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की, उसमें 9वें नंबर पर कमलनाथ का नाम लिखा हुआ था, लेकिन 22 मार्च को जो सूची जारी की गई उस जगह कमलनाथ की जगह सुबोध कांत सहाय का नाम लिखा हुआ। इसके साथ ही G23 समिट में जो शामिल हुए मनीष तिवारी भी इस जो सूची है उसमें उनका नाम शामिल है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के बड़े नेता प्रतिदिन पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, इसके साथ ही सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की। वहीं कमलनाथ को भी जिम्मेदारी दी गई थी चुनावी सभाओं को संबोधित करने की। बंगाल को बेहतर रूप से समझते भी हैं कमलनाथ और कई बार बंगाल में चुनावी सभाओं को संबोधित करने जा भी चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा था कि जल्द ही कमलनाथ पश्चिम बंगाल में नजर आएंगे, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, लेकिन जिस तरह की सूची 22 मार्च को जारी की गई उससे साफ नजर आ रहा है, क्योंकि 12 से 22 मार्च का 10 दिन का जो वक्त था उस दौरान भी कमलनाथ एक भी बार सभा को संबोधित करने के लिए पश्चिम बंगाल नहीं गए, पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर कमलनाथ नहीं गए। यही कारण है कि 22 मार्च को जो सूची जारी की गई उसमें से कमलनाथ के नाम को हटा दिया गया है। जी राहुल जी, खबरें इस तरीके की भी आ रही है कि कमलनाथ असम के दौरे पर जाएंगे, साथ ही जो दमोह में उपचुनाव होना है उसको लेकर भी जो है कमलनाथ जाएंगे, इस कारण भी ये कारण भी बताए जा रहे हैं। तो क्या ये कारण भी है या फिर जो है कमलनाथ का वाकई कद अब जिस तरीके से आपने कहा कि घटता जा रहा है वो भी है? कांग्रेस की तरफ से तमाम तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के प्रवक्ता इस मामले में अपनी सफाई भी देंगे, अपने नेताओं को बचाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन पूनम स्पष्ट है कि 12 मार्च को जब सूची आती है उसमें कमलनाथ का नाम शामिल होता है, 22 मार्च को जो सूची आती है उसमें से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का नाम हटा दिया जाता है। 10 दिन का वक्त था, क्या 10 दिन के वक्त में कमलनाथ एक ही बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए? अब से कुछ दिन पहले ही दमोह उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया है, प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है, असम चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में जो बड़े नेता होते हैं वो अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, हम देख रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल भी लगातार दौरे पर जा रहे हैं, असम भी दौरे पर जा रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। तो आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा और जितना ज़्यादा टाइम अपनी आप पार्टी के लिए देंगे, सभाओं को संबोधित करेंगे, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा पार्टी को ही मिलता है।
तो कद कहीं ना कहीं अब कमलनाथ का घट रहा है या फिर जो राष्ट्रीय आलाकमान है कांग्रेस का उससे कमलनाथ की बहुत ज़्यादा बन नहीं रही। और यही कारण है कि जिस तरीके से हमने देखा कि पहले जो सूची आती है उसमें कमलनाथ का नाम शामिल होता है, लेकिन बाद में जो सूची आती है उसमें से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का नाम हटाकर उनके स्थान पर अन्य दो नेताओं को शामिल कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सियासी संकेत देता है और ये बताता भी है कि कुछ ना कुछ अब कांग्रेस में इस वक्त गड़बड़ चल रही है। जी बाबू जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जिस तरीके से पहले कमलनाथ का नाम था लेकिन फिर बाद में हटा दिया गया, तो साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। हालांकि सफाई जरूर दी जा रही कांग्रेस नेताओं की तरफ से कि असम दौरे पर जाना है, दमोह के उपचुनाव भी होने वाले हैं, दमोह का उपचुनाव तो उसमें भी कमलनाथ को जाना है, लेकिन एक जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो जरूर किया जा सकता है। लेकिन पहले सूची में नाम होना और फिर वो नाम हटा देना, फिर किसी और को जगह देना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें संकेत करती कि कांग्रेस में जो है कमलनाथ का कद लगातार घटता जा रहा है।